हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं मैदा ले रखी हूँ, उसे अच्छे तरह से छान चुकी हूँ। इसमें रिफाइन भी मैं ऐड कर चुकी हूँ और इसमें अजवाइन और मंगरेल को हाथ से क्रश करके इसमें डाल चुकी हूँ। नमक भी डाल चुकी हूँ। तो अच्छे से ये सभी को पहले मिक्स कर लेना है हाथों से। उसके बाद पानी डालकर इसमें एक डो तैयार करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसी तरह इसे पानी डालकर डो तैयार करूँगी। और चलिए दिखाती हूँ कि स्टफिंग के लिए मैं आलू को पेस्ट बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं एक प्याज और लहसुन के पेस्ट के हेल्प से और जीरा पाउडर, काली मिर्च वगैरह इसमें डाल चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए, चटनी के लिए आंवला और धनिया पत्ती को अच्छे तरह से धुल के रखी हूँ। उसे मिक्सी जार में रखी हूँ, उसे पीस लूँगी। यहाँ पे देखिए, मेरा सिंघाड़ा इस तरह से समोसा बन के रेडी हो गया है। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसी तरह बनाई हूँ। और ये देखिए, ये मैं देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैं सोची चलो मैं भी ट्राई करती हूँ इसे। तो इस तरह से मैं इसे इस शेप में बनाए इसके हेल्प से, तो बहुत ही अच्छे डिजाइन आ जाते हैं अगर आप इस ट्रिक से बनाओ तो। और चलिए अब तलने चलते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, तेल भी गर्म हो गया है, तो इसे मैं इसमें तल दूंगी ताकि ये अच्छे से हल्की आंचों पे तलूंगी ताकि वो बाहर भी पक जाए, अंदर भी पक जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लाइट थोड़ा इधर कम दिख रहा है, सो यहाँ पे इसी तरह से तलना मेरा हो चुका है। अब मैं इसी तरह से बारी बारी करके सारे समोसे को तलूंगी। अगर आप हाई फ्लेम पे तलो तो ऊपर वाले पक जाते हैं और नीचे वाले कच्चे जैसा रह जाएंगे, तो वो खाने में उतना टेस्ट नहीं आएंगे। पर देखिए, यहाँ पे मेरा समोसा रेडी हो गया है और मैं चटनी को भी अच्छे से पीस चुकी हूँ। तो देखिए, आंवला की चटनी हमेशा खाना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि आंवला की चटनी खाने से हमारे बालों में और आँख की रोशनी बहुत अच्छे रहते हैं। तो कभी कभी मैं इसे हमेशा बनाया करती हूँ, मुझे पसंद है इसका टेस्ट भी और विटामिन्स भी है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। और आज है दिन गुरुवार। सो फ्रेंड्स, आज का दिन गुरुवार है, नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, नवरात्रि पूजा शुरू हो गई है। सो नवरात्रि में बहुत ही लोग नवरात्रि करते हैं और माता रानी से कृपया करते हैं कि हमारा परिवार अच्छा हो। तो मैं भी माता रानी से कृपया कर रही हूँ कि हे माता रानी, मेरा परिवार अच्छा हो और मेरा फैमिली अच्छा हो। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका फैमिली भी बहुत अच्छा हो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं कुछ देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बताएंगे कि कम से कम प्रोडक्ट में हम घर पे मेकअप कैसे करें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गुलाब जल लेंगे। गुलाब जल हमारे टोनर के काम करते हैं, हमारे स्किन को हाइड्रेट करते हैं और जो भी हमारे फाइन लाइन्स आते हैं उसे वो रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि अपने स्किन को टोनिंग करना, तो सबसे पहले हम गुलाब जल लेंगे। गुलाब जल से स्किन को टोन करेंगे और उसके बाद चलिए फ्रेंड्स दूसरे स्टेप में चलते हैं। तो दूसरे स्टेप में एलोवेरा जेल लेंगे। यहाँ पर मेरा एलोवेरा जेल आधा, तो दूसरे में लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से हमारे स्किन पे प्राइमर जैसा काम करता है और एलोवेरा जेल लगाएंगे दूसरे कोट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें लेना है जो भी क्रीम आप लगाते हो, जैसे आप पॉन्ड्स ले लो, फेयर एंड लवली ले लो, कुछ भी ले लो, लक्ष्मी सीसी कुछ भी ले लो, लेकिन इससे बहुत अच्छा ग्लो करता है। तो आप यहाँ ये पॉन्ड्स का क्रीम है, सो आप इसे अप्लाई कीजिए अपने फेस पे, बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। और उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए वाइट टोन पाउडर। वाइट टोन पाउडर बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। वाइट टोन पाउडर से हमारे जो भी
कंफर्ट पाउडर है उसका ये मुकाबला करते हैं, यानी वाइट टोन से हमारा स्किन को अच्छे तरह से ये फेयर करता है। तो चलिए फिर हम क्या करेंगे, ये काजल लेंगे। काजल ये वाटर प्रूफ काजल है, तो ये कभी पानी से निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे वाटर प्रूफ काजल लगाएंगे तो मेरा हल्का फुल्का मेकअप का लुक हो गया, और बिना लिपस्टिक के तो हमारा लुक ही अधूरा रहेगा। तो चलिए यहाँ पे ये लिपस्टिक है, सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लक्ष्मी का लिपस्टिक है। सो पहले लिपस्टिक लगाएंगे और मेरा हो जाएगा पूरा लुक टोन खत्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेंगे सैनिटाइजर से टीवी को अच्छे से क्लीन, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्लीन होते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे मैं सैनिटाइजर से ही कर रही हूँ क्योंकि डस्ट आ जाते हैं। तो चलो आज देखते हैं कि सैनिटाइजर किस तरह से वर्क करता है। सो मैं हमेशा कभी कभार इससे किया करती हूँ, जैसे मेरा मोबाइल का चार्जर है वगैरह है तो उसे इसी से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, वो ईजिली हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था इतना क्लीन हुआ, सारे डस्ट निकल चुके इससे। और देखिए अब मैं कर दे रही हूँ यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के शीशे भी क्लीन इससे, क्योंकि वो भी गंदे पड़े थे। तो चलिए देखते हैं ये होता है क्लीन या नहीं। तो बस मैं यहाँ उसी से कर रही हूँ, उसे भी क्लीन अच्छे से हो जाते हैं। तो आप लोग एक बार ट्राई करना और हमें बताना कमेंट में आके कि आपके यहाँ हुआ या नहीं क्लीन। सो मुझे तो बहुत ही अच्छे काम करते हैं सैनिटाइजर, और बहुत सारे सैनिटाइजर मेरे घर बचे पड़े हैं, तो सोची चलो किसी न किसी काम में तो आ जाएगा ना। तो इसी तरह से मैं इजली इसे साफ़ कर दे रही हूँ, और अब साफ़ करने के बाद थोड़ा चलेंगे किचन में, क्योंकि किचन में भी खाना वगैरह बनाना ही बाकी है अभी। तो चलिए चलते हैं अब किचन में। और पहले से मैं यहाँ पे आलू को उबाल रखी हूँ, सो यहाँ पे मैं आलू को निकाल लूँगी और इसे अच्छे से धुल दूँगी ताकि वो ठंडे हो जाए। तो चलिए सबसे पहले चावल को यहाँ पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि चावल ही दोपहर में मैं बनाती हूँ, सुबह में रोटी तो बनाती ही हूँ पर दोपहर में चावल बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं चावल को साफ़ करी अच्छे से धुल दूँगी, और जब तक कि ये आलू ठंडे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। सो मैं आप सभी के साथ ब्लॉग शेयर करूं या कुछ और, जैसे कि कुछ टिप्स वगैरह हो वही। सो आप लोग को क्या देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्लॉग देखना अच्छा लगता है या छोटे मोटे टिप्स देखना अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैं आलू को धुल दूँगी ताकि वो अच्छे से ठंडे हो जाए, उसके बाद मैं इसे छील लूँगी। तो इसी तरह मेरा घर का सारा काम होता है, मैं अकेले हूँ, पूरा घर का काम करती हूँ। तब तक यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा, उधर बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से पढ़ के। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।